प्रणाम, नमस्कार। मैं अंकित गैरोलार, आप देख रहे हैं इस वक्त लोकार्पण। आप सभी को एक बार फिर से जोड़े चल रहा हूँ। ऋषिकेश कोतवाली में इस वक्त मौजूद हूँ। पीछे जो तमाम जो लोग हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी किसी एक व्यक्ति पर भरोसा किया था, और आज इनके भरोसे का थोड़ा सा कहीं ना कहीं उल्लंघन जरूर किया जा रहा है। मामला क्या है, समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि टाइटल आप समझ गए होंगे। कहीं आप भी ये गलती तो नहीं कर रहे हैं, चंद पैसे बचाने के लिए, थोड़े बहुत पैसों को और उठाने के लिए हमारे जो गरीब लोग हैं वो कमेटी खोलते हैं या फिर कोई आरडी खोल देते हैं, वहाँ अपना पैसा जमा करते हैं, और उसके बाद जब पैसा अच्छा खासा जमा हो जाता है तो जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं इधर से उधर हो जाता है और फिर फंसा के चला जाता है हमारी कुछ भोली भाली जनता को। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? सुषमा सैनी है सर। सुषमा सैनी, तो क्या कुछ मामला था, पहले इस पर प्रकाश डालिए, उसके बाद आगे के बारे में। सर मेरा नाम सुषमा सैनी है, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, और जयप्रकाश त्यागी अब से 3 साल पहले मेरे को मिला था। मैं कॉस्मेटिक की शॉप चलाती थी। आप हस्बैंड है? उसने बोला कि तेरे बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा, मेरे साथ जुड़ के आरडीएफडी का काम करता हूँ मैं पिछले 35 सालों से, और तू लोगों को, क्योंकि मैं दुकान चलाती थी, लोगों से मेरी अच्छी कनेक्टिविटी थी। उसने इस चीज का फायदा उठाया और बोला कि शुरू में अच्छे ठीक ठाक पैसे दिए, जैसे मैंने शुरू में 2-4 खाते खोले थे, लोगों को जोड़ा था, 2-4 लोगों को अपना खुद का पैसे जमा किए थे, तो मुझे उसने समय से पैसा दिया। धीरे धीरे लोग बढ़ने लगे, बिली बढ़ता चला गया, धीरे धीरे लोग बढ़ने लगे, और जैसे अब लास्ट में मैंने, मेरा मन नहीं था कि मैं इसमें काम करूं या इनके साथ में जुड़ के काम करूं, जैसे मैंने बंद करा तो उसने जो बाकी बैलेंस देना था वो देने से इनकार कर दिया, वो पैसा नहीं दे रहा है। तो लोग, हम लोग इतने परेशान हो रखे कि गरीब लोग हैं, कैसे कैसे लोगों ने एक एक रुपया जोड़ के पैसे जमा करा है, और ये जयप्रकाष त्यागी, इसका पूरा परिवार मेरे साथ षड्यंत्र रच के सारे पैसे हड़प कर गया। सर तो आप कितने पैसे देने हो? 51,48,700 रुपये का बैलेंस है, जो उसने मुझे 5 अगस्त को बिल बना के दिया, और इस बीच में उसने मुझे मारने की धमकी दी। जब मैं घर जाती थी तो उसके लड़के ने मेरे को मारने तक की धमकी दी है। क्या बोला? ये बोला कि अगर तू मेरे घर पे पैसे लेने आएगी तो मेरा सिर फोड़ दूंगा। अच्छा, अभी थोड़ी देर, उसकी ऑडियो भी है? उसकी ऑडियो भी आपके पास है? ऑडियो भी दिखाने का, सुनाने का पूरा प्रयास करेंगे आपको। मगर मैम इतना कुछ होता है, कितने टाइम्स पहले आप उनके साथ मिली थी, कितने पहले जुड़े थे? मैं 2021 में जुड़ी थी सर। 2021 में एज अ मीडियेटर ही जुड़े थे आप या फिर एज अ क्लाइंट? शुरू में मैं एज अ क्लाइंट जुड़ी थी सर। अच्छा, हाँ, उसके बाद धीरे धीरे जब मुझे मिल गया पैसा, उससे पहले जुड़ी थी मैं, 2020 के लास्ट में जुड़ी थी, तो मुझे 6 महीने बाद पैसे मिल गए थे। अच्छा। फिर जैसे मेरा बिलीव बढ़ा तो मैंने लोगों को बताया कि आप वहाँ पे जमा कर लीजिए, मेरे पास जमा कर लीजिए, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ इसको, मेरे को भी पैसा मिला है। तो इस तरीके से लोग जुड़ते चले गए, और अब जब पैसा ज्यादा हो गया तो वो पैसा नहीं दे रहा है। अब पैसा नहीं दे रहा है, मतलब आपका सब कुछ, आपसे बिलीव लेते हैं। सोचिएगा, पहले भरोसा जीता, उसके बाद पैसा जीता, और उसके बाद गायब भी हो गए। मारने की भी धमकी दी जा रही है उसके लड़के ने दी। सरकारी नौकरी में है वो? सरकारी नौकरी में। किस पद पर है सर? वो रेलवे जीआरपी में है सर। रेलवे जीआरपी में। तो इनकी पूरी फैमिली यही काम करती है? हाँ जी, यही काम करती है। आपने कितने लोगों को जोड़ा अपने साथ? मेरे साथ 100 लोग से प्लस थे, लेकिन कुछ लोगों का मैच्योरिटी हो चुकी थी, जो थोड़े थोड़े उसने दिए दिए थे, लेकिन अब जो बैलेंस बचा हुआ था लगभग 100 लोगों का बैलेंस बचा हुआ सर। अब बात करते हैं कि आखिर ये किस तरीके से काम किया जाता है, कैसे लोगों को जोड़ा, तो किस तरीके से आप लोगों को जोड़ते थे और क्या कहकर जोड़ते थे, क्या पैकेज बनाया जाता था उनका? वो यही बोलते थे कि 1,000 रुपये महीना जमा करो मेरे पास में, और 12 महीने जमा करना, 3 महीने का गैप करके मैं आपको 15 महीने में वो 15,000 रुपये दूंगा, 16वें महीने में। अच्छा, तो मतलब दो हजार रुपए का प्रॉफिट जितना भी आप जमा करते हैं, अगर आप समझिए कि साल भर में 12,000 रुपए जमा करते हैं तो आपको 14 मिलेगा, है ना? 15,000 रुपए मिलेगा, यानी कि 12 का 3 गुना, आप 3,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलती है। उस वजह से जो हमारे बेचारे ये जो लोग काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते होंगे, कोई किसी दुकान में, कोई कपड़े की दुकान में, कोई खुद की दुकान चला रहा होगा, अपने पैसा बचाता होगा, पैसा बचाने के बाद फिर वो ऐसे कुछ करता है कि छोड़ा मेरा बच्चों के लिए हो जाए। आज इस माता की आंखों में मेरे को नमी दिख रही है, कारण सिर्फ इतना। सब लोग आप ही के घर पे आ रहे होंगे? सब लोग आ रहे हैं सर, सब लोग आ रहे हैं, कह रहे कि अगर हमारा पैसा नहीं मिलेगा तो हम तुम्हारे बच्चों को मार देंगे सर। सब लोग ये बात बोल रहे हैं सर, हमने 6 महीने से हम बहुत परेशान हैं सर, हम इतने डिप्रेशन में जा चुके हैं बहुत ज्यादा कि क्या बताया। जनता भोली भाली माता है वो, उसने भी सोचा है कि चल 1,000 रुपए मुझे बचेंगे तो मैं अपने बच्चों के लिए कुछ और चीजें कर सकती हूँ। आप हस्बैंड है, आप बताइए सर, और क्या क्या मामला हुआ था जब आप पैसे लेने गए, इतनी सारी तमाम चीजें? ये बोलते थे कि पैसा हम दे देंगे, मकान बेच के दे देंगे, जैसा आएगा धीरे धीरे देते रहेंगे, लेकिन जब इन्हें लगा कि बड़ी रकम हो गई
ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तब इन्होंने जो है मतलब मारने की धमकी देने लगे और कहने लगे कि ज़्यादा परेशान करोगे तो मैं तुम्हें उठवा दूंगा यहाँ से पूरे परिवार को। हम त्यागी लोग हैं, जानते नहीं हो त्यागी यूपी के अंदर तो कितने मर्डर होते रहते हैं, और इस तरीके का वो डराते थे और काफ़ी लोगों को उनके घर पे जाके मिलवाया भी हमने। कहते हैं मर्द कभी रोता नहीं है, और एक फेमस डायलॉग भी है कि मर्द को दर्द नहीं होता है। वो उनके आंखों में भी आंसू हैं। आंसू इसलिए नहीं है कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, आंसू इसलिए है कि जिन बच्चों के लिए वो तमाम चीज़ें कर रहे थे आज उन पे उंगली उठी जा रही है। माता को के आंसू नहीं रुक रहे हैं, कारण ये सिर्फ कि यार कहीं मेरे बच्चों को कुछ ना हो जाए। सर और क्या कुछ बात हुई? अगर हम ऐसी डिप्रेशन में चलते रहे तो हम चीला वाली नहर में ना आत्महत्या कर लेंगे, जिसका दोषी जो है ये जयप्रकाश त्यागी और उसका परिवार हो। पता नहीं कब ऐसा वो आ जाए, कुछ पता नहीं। अगर हम ऐसा करेंगे तो नोटिस थाने में लिख के जाएंगे। अभी अभी आप आए थे थाने में, क्या हुआ उसमें? ये कहा है कि आप लोग यहाँ पे मुकदमा दायर करिए, हम कार्यवाही करेंगे पूरे परिवार को। उसको 420 का मुकदमा लगेगा। उसे उन्हें काफ़ी समझाने की कोशिश करी लेकिन वो नहीं समझ पाए। उन्हें पता है कि बड़ी रकम है, इतनी बड़ी रकम के लिए ना बोल देंगे तो बेहतर ही रहेगा, उनके परिवार के काम आएगा वो पैसा। लेकिन गरीबों की बददुआएं जो है उनको कभी नहीं छोड़ेंगी। आप हिम्मत रखिए, शायद अब आप ऐसी जगह हैं जहाँ पर शायद आपका जो भी कुछ है वो सब सॉल्व होगा, तमाम चीज़ें होंगी। यहाँ पे आए उनके ऊपर मुकदमा भी होगा और शायद वो देंगे भी पैसा। और कैसे नहीं देंगे, क्योंकि शायद किसी का कुछ चीज़ें मार के कोई कहीं गया नहीं है, यहीं इसी धरती में सब कुछ करना पड़ता है। भाई भाई से थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, मेरे भाई इधर आइए। आपने भी करी थी आरडी यहाँ पे? जी। कितने करी थी पहले? हमारे घर से तीन लोगों की आईडी हो रखी थी। अच्छा, तीन लोग, तो कितना देते हैं आप महीने का? हमारे ये 2000 रुपये हर महीने का 2000 रुपये था पर पर्सन। जी, पर आरडी पे आप जाते, मतलब 6000 रुपये पर मंथ आपके घर से जा रहा था। जी बिल्कुल। तो आपको रिटर्न भी हुआ? जो शुरू में हमें हुआ, अब जब हमारी थोड़ी मोटी रकम हुई है तो इस बार हमारा कुछ भी नहीं हुआ है, आईडी हमारी पूरी हो चुकी है, उसमें से हमें कुछ नहीं मिला है अभी फिलहाल। मोटी रकम पहले कितना करते थे आप? पहले 500 रुपये से स्टार्टिंग किया था हमने। 500 से शुरू करके आप 3000 रुपये आए कि आप चलो प्रॉफिट होने लगा। ऐसा ही होता है, धीरे 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 लालच बढ़ाया जाता है, उसके बाद इनको सड़कों में छोड़ दिया था। अब क्या कहेंगे सर इस विषय में कि क्या करना? सर हम तो यही कहेंगे जो हमें इसे देख रहे हैं वो आगे ना करें, करें तो जांच पड़ताल कर लें चीज के बारे में क्या चीज है क्या नहीं है, क्योंकि जो हम लोग भुगत रहे हैं कोई आगे ना करें। क्योंकि जो बच्चा 10-10 रुपये कमा रहा था वो भी हमारे पास जमा करने आ रहा था उस टाइम पैसे ना। अभी देखिए कोई सब्जी वाला रोज 10 रुपये कमाता है, 20 रुपये, वो भी 20-20 रुपये रोज कर रहे थे, आज उनका पैसा एकदम से मर जाएगा। उनकी किसी के घर में शादी है, किसी के बच्चे का पढ़ाई के लिए आना है, वो नहीं मिलेगा तो क्या करेगा लोग? सही बात, सही है ना, क्या करेंगे? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या कुछ होता है इस पूरे मामले में बताएंगे। एक माता और हैं, उनकी आंखों में भी आंसू है। मैम आपका कितना पैसा टकता है? इधर आइए आप आगे थोड़ा। कोई भी भाई अपने गरीब बच्चे कैसे कैसे पालता है, और वो ही बच्चे परेशान होंगे, उन्हें खाने को भी नहीं मिलेगा तो कैसे करेंगे लोग हैं? वो बेचारी करते थे किसी के फायदे के लिए करते, लेकिन उसमें उसका फायदा क्या था? इतना ही तो उसे भी कुछ मिलता था, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है ना। तुम किसी का गरीब का पैसा मार के बैठ जाओ, कितने दिन खाओगे तुम हैं? वो लोग परेशान करते हैं, घर जाते हैं, बच्चों को गाली देते हैं, मारने की बोलते हैं, तो वो क्या करेंगे? अपने बच्चों को देखेंगे कि परिवार वालों को देखेंगे? क्या दुनियादारी से लड़ेगी वो? आप ही बताइए, गरीब कम से कम इतना तो दे, चलो ब्याज नहीं दे रहा लेकिन वो तो दे दे जो किसी को वो दे सके है? इतना भी तो ना करे, कम से कम उसके बच्चों और जान से धमकी दे रहे हो, तुम मारने की धमकी दे रहे हो, इससे ज्यादा और क्या क्या हो गया है? उससे क्या क्या होगा? तुम गरीब को मारने की कोशिश करो, ऊपर से मार रहे हो तुम उसे, देने के बजाय तुम उसे मार रहे हो। इतना तो कह सकते हो भाई जितना है हो सकता मैं करूंगा आपके लिए, लेकिन धमकी तो मत दो ना, तो एक वो होगी जबरदस्ती वाली बात होगी ना, एक देना नहीं है और ऊपर से तुम उसे धमकी भी दे रहे हो। बस हम आपसे इतनी रिक्वेस्ट करते हैं, बस गरीबों का पैसा दे दें जैसे भी हो जितना भी हो। अच्छा, मैम आई थी अध्यक्ष मैम आयोग से, महिला आयोग से, उन्होंने क्या कुछ कहा? उन्होंने बहुत कुछ कहा, उन्होंने ऐसी बात नहीं, वो सपोर्ट में है। क्या बोला उन्होंने अंदर? बहुत बहुत धन्यवाद मैम, पर रोइए मत, हो जाएगा सारा काम। क्या बोला उन्होंने? मैडम ने कहा कि इन गरीब लोगों का पैसा है, इनका पैसा लौटा दो, नहीं तो फिर तुम्हें जो कोर्ट में जाना पड़ेगा। लेकिन उनके स्टेटमेंट, वो भी यहाँ पे रोड का काम कर रहा है, चलिए आज से नहीं करता, ये बहुत टाइम से यही काम करता है और नए नए लोगों को ढूंढता रहता है, जो भोली वाली लेडीज होती हैं उनको फंसाता है और फिर एक तरफ से नहीं दे पाता फिर दूसरी साइड चला जाता है, नए नए लोगों को ढूंढता रहता है। एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, दूसरे ने समझ लिया तो फिर चौथे को पकड़ो। क्यों? क्योंकि वो कहीं मेरा भांडा ना फोड़ दे।
और उनको पकड़ने का प्रयास करता है जो जिनकी आवाज ना हमेशा दबी सी रहती है, डरते हैं ये लोग आगे आने में। संपर्क अच्छा होता है, जिसका संपर्क अच्छा होता है उसी को ढूंढता है, जैसे किसी की दुकान हो या मतलब अच्छे खासे लोगों को जानता है, ऐसे आदमी को ढूंढता है वो और उससे कहता है कि मैं तुम्हें दूंगा, तुम कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो, तुम्हारा परिवार सही चलेगा, मैं तुम्हें कमीशन दूंगा और तुम लोगों से जो मतलब आरडीओ का काम करवाओ और उनको जो है ऐसे ऐसे जोड़ो तुम। क्या कुछ होता है इन तमाम चीजों पर आपको पल-पल की अपडेट्स देखेंगे, अभी मैम का भी बयान क्या हो देती हैं, कुसुम कंडवाल जी यहाँ पे मौजूद है उनसे भी बयान लेंगे, उन्होंने किस तरीके से इस पर संज्ञान लिया, क्या कुछ होने वाला है, उन तमाम चीजों पर भी नजर डालेंगे। मगर कहीं शायद आप भी तो ये गलती नहीं कर रहे, अगर आप भी कर रहे हैं तो इस चीज में विचार करिए, समझिए और देखिए कि क्या सच में आप कहीं सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने पैसों को। अगर गवर्नमेंट ने आपको लीगली किसी चीज में दिया, बैंक से दिया है, तो बैंक में कीजिए ना जमा, बैंक से आपको अच्छा फिक्स डिपॉजिट भी मिलता है, आपको अच्छा उसका ब्याज भी मिलता है, इंटरेस्ट भी अच्छा रहता है, मगर दो रुपये थोड़ा एक्स्ट्रा कमा देना, हमारे भाई लोग इसलिए फंस जाते हैं इस जाल में, और जब फंस जाते हैं ना तब निकल नहीं पाते, फिर ऐसे ही धक्के खाते रहते हैं, पता नहीं क्या करेंगे, किस तरीके से होगा। पर बने रहिएगा लोकार्पण के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।